साल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये साल बॉलीवुड के लिए बेहद खास रहा। बरसों बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक साल में कई ऐसी फिल्में आई जिसने 300 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया। तो इस साल सबसे पहला रिकॉर्ड शाहरुख खान की पठान ने तोड़ा था। पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और लगभग 2 महीने तक बॉक्स ऑफिस पर बनी रही। इसने 1055 करोड़ रुपए का दुनिया भर में कलेक्शन किया। तो आज हम बॉलीवुड की कुछ ऐसे 100 की फिल्में के बारे में बताने वाले हैं जो इस साल सबसे ज्यादा हिट रही। तो इस लिस्ट में सबसे पहले सलमान खान की टाइगर 3 को लेकर ऑडियंस के बीच काफी बज बना हुआ था, लेकिन रिलीज के बाद ये क्रेज कम हुआ। फिल्म ने उम्मीद से भी कम कमाई की, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर एक यादगार कलेक्शन करने में कामयाब रही। सेकेंड के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में 464 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद है इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति की जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 1160 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हाल में रिलीज हुई शाहरुख की डॉन की भी अच्छी कमाई कर रही है। शाहरुख ने इस साल तीसरी बड़ी हिट दी है। उसके बाद है इस लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टार घूमर को क्रिटिक्स और सेलेब्स ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म महज 4.97 करोड़ की कमाई कर सिमट गई। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी कैमियो किया था। बॉलीवुड की खान कपूर और बच्चन फैमिली के अलावा एक और फैमिली के स्टार रहे जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उसके बाद है इस लिस्ट पर चौथे नंबर पर है ये है देओल फैमिली। बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र ने 3 अलग-अलग फिल्मों में काम किया और तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉबी ने अपनी ब्लॉकबस्टर से बरसों बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया। तीनों की फिल्मों ने कुल मिलाकर अब तक 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। बॉबी देओल रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल में विलेन बने हैं। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हुई और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 539 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर OMG 2 रिलीज हुई थी। बड़ी फिल्म के साथ कॉम्पिटिशन होते हुए भी फिल्म ने 691 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वहीं धर्मेंद्र ने बरसों बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया। इसमें वह शबाना आजमी संग अपने किसी सीन को लेकर चर्चा में रहे। ये फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 355 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र की इन तीनों फिल्मों का कलेक्शन कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। तो आप सब कमेंट में ये बताएं कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है।